गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे ब्लॉग्स पे अच्छे लग रहे होंगे। तो सुबह के बजे हैं 7:30 और जस्ट मैं उठ के चाय पी के और नहा ली हूँ। आज तो संडे है तो आज मेरा शैम्पू डे है तो आज मैंने शैम्पू कर लिया है। जनरली जब मैं संडे शैम्पू ना कर पाऊँ तो फिर मैं मंडे करती हूँ। तो चलिए, अभी बहुत फ्रेश लग रहा है सुबह सुबह नहा के एक्चुअली। तो अभी हम लोग जाएंगे, गोपू को उठाएंगे, गुरुजी को चाय देंगे और फिर आके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में कल घुगनी बना था वही खाएंगे और लंच में तो कौस्तुभ आज अपना स्पेशल चिकन बनाएगा तो वो खाया जाएगा। तो संडे पूरा प्लान्ड है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आई होप हमारे ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। और कौस्तुभ ने धोए हैं अपने जूते वॉशिंग मशीन में, फिर हमारे कपड़े, आज सब कुछ हो चुका है। हमारी पूजा हो गई है तैयार, गोपू खा रहे हैं बटर। तो हो गई है हम लोग की पूजा, काफी जल्दी जल्दी मैंने सबको तैयार कर दिया है। और तब अभी हो रहा है घुगनी गरम गरम। तो पूजा करके आके अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट टाइम है। घुगनी मूढ़ी ब्रेकफास्ट में खाएंगे और चिकन बनाएंगे। पता नहीं क्या बातें करे जा रहा है और मेरी घुगनी गरम नहीं हुई थी तो उसको फिर से और 2 मिनट्स में लगाया है। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, अभी बन रहा है चिकन। पहले आलू फ्राई हो रहा है, इतने सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं। तो अभी हम लोग पियेंगे थोड़ी सी चाय ब्रेकफास्ट के बाद हाफ। तो कलर काफी सुंदर आया है चिकन का। तो चिकन बन चुका है, काफी टेस्टी। तो अभी मैं आई हूँ गोपू को लंच कराने के लिए। तो अभी हम लोग लंच करने वाले हैं। लंच में फ्राइड राइस और कौस्तुभ का बनाया हुआ डिलीशियस चिकन। तो अभी सारे भगवान जी की शाम की पूजा हो गई और अभी हम लोग निकलेंगे मम्मी के घर के लिए। ओ तो शॉर्ट भी हो जाए आवाज सुन। तो आई है आज रेशमा, अभी देखा वो भी जाने वाली है कहीं पे। संडे आज भी? ओ अच्छा अच्छा, किस संडे है। तो मम्मी बनाई है मैगी, पेट थोड़ा भरा है फिर भी हम ये ट्राई करेंगे बिकॉज आई लव मैगी। The next day. तो सुबह के बजे हैं 10:30। आज बहुत लेट से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, वैसे तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था बट अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। थोड़ा बहुत काम कर रही थी और ब्रेकफास्ट किया। अभी डॉग्स जो जिनको मैं खाना देती हूँ उनका खाना माइक्रोवेव में बना रहे हैं क्योंकि मैं माइक्रोवेव में बनाती हूँ, जस्ट चिकन राइस हल्दी और जीरा पाउडर डाल के। ये सब डॉग फ्रेंडली मसाला था, ये लोग ये सब आप भी यूज़ कर सकते हो अपने डॉग को खिलाने के लिए। और भी बहुत से ब्लैक पेपर चुटकी, पर मैं ब्लैक पेपर नहीं देती हूँ, वो बस ऐसे यूट्यूब पे देखा था बट मैंने यूज़ नहीं करती हूँ, उनके गले वाले में अगर लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं बस सॉल्ट थोड़ा सा और टर्मरिक और जीरा पाउडर, बस यही 3 मसाले मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉग्स को खाना देने के लिए, उनका पुलाव बन चुका है। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच। वैसे लंच में बहुत कुछ ही है, राइस बना लिया है और दाल माँ बना के गई थी और रूपा आंटी चिकन भेजी है। तो ये है लंच। तो गाइज अभी मैं बैठे बैठे देख रही थी एमिली इन पेरिस और चाय चढ़ाया है, चाय पीऊंगी। घर पे कोई नहीं है, माँ गई है मंदिर, कौस्तुभ गया है बाहर। माँ तो आ जाएगी वैसे, तो आएगी फिर शाम को हम लोग साथ में निकलेंगे। मैं जाऊंगी थोड़ा घर पे। तो मेरी इवनिंग पूजा हो गई है डन। तो अभी मैं निकली हूँ रिक्शा लेके, माइकल जाऊंगी घर पे और घर पे टाइम स्पेंड करेंगे। फिर खाना पीना तो मंदिर का ही प्रसाद आएगा, खिचड़ी। आवाज बुझते पड़े चो तो आ गई हूँ मैं घर पे और अभी हम लोग ऐसे ही बातें बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फिर डिनर करेंगे और फिर निकलेंगे।
तो अभी मैं करूंगी डिनर और कौस्तुभ तो लेट से आएगा और वो खिचड़ी खाएगा जो भोग बना है मंदिर में, तो वही खाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा खा लूंगी फिर थोड़ा सा भोग खाऊंगी। हे गाइस, तो घर पे आ गए हैं वापस और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, बोल्डिंग भी लगा लिया है और अभी सोने ही जा रही हूँ। 10:45 हो गया है, कौस्तुभ काफ़ी लेट से आया, तो बेसिकली हम लोग खिचड़ी प्रसाद जो वो खाने वाला था वो नहीं खाया क्योंकि पूजा लेट तक हुई यहाँ पे और वो वहीं पे घर पे ही खा लिया था डिनर। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड किया जाए और आपसे मिलेंगे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और खूब सारी चीज़ें कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।